नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रयास कीजिए संख्या 7 और 8 को हल करते हैं। तो प्रयास कीजिए संख्या 7, प्रश्न संख्या 1। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, 7 भाग में 2/5। हमें 7 को 2/5 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर 2/5, 2 के नीचे क्या है 5, और यहाँ 7 के नीचे हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद भाग में 2/5। अब आगे हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। आगे वाला जो ये पोर्शन होता है जिसे हम भाग देते हैं उसको हम वैसा का वैसा ही रखते हैं, और उसके बाद ये जो पोर्शन होता है इसको पलट देते हैं और जो ये भाग का निशान है ये गुणा बन जाता है। तो देखिए पलट देंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक। और फिर आगे देखिए क्या बन जाएगा, 7 × 35/2 ये इसका आंसर। और इसका दूसरा तरीका यहाँ से फिर से चेंज होता है। यहाँ पर देखिए 7/1, इस भाग को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, तो फिर नीचे क्या लिखेंगे हम 2/5। अब इसी को ही हम पलट के ये बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो प्रोसेस है इसको हमने स्किप करके डायरेक्ट ये कर लिया है। इसके बाद ये प्रोसेस आता है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें हमें क्या दे रखा है, 6 की भाग करनी है 4/7 से। तो सिंपल है, 4 के नीचे तो 7 दे रखा है लेकिन 6 के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है, अतः हम 6 के नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद भाग में 4/7। अब पीछे वाला जो नंबर है इसे हम पलट देते हैं और आगे वाले को ऐसा ही रखते हैं। तो पीछे वाला पलटने के बाद ये जो भाग है तो ये भी पलट जाएगा, निशान भी पलटता है। तो देखिए 7/4। अब इसकी और इसकी, इसकी और इसकी भाग करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि कोई आपस में कट तो नहीं रहा है। तो हम देखते हैं कि 4 और 6 2 के पाड़े से कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर क्या, और कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। तो देखिए 7 की 21/2 सॉल्व। अब देखिए पार्ट थर्ड, तो देखिए थर्ड में हमें क्या दे रखा है, 2 की भाग करनी है 9/8/9 से। अब यहाँ में 2 के नीचे कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसको 1 मानते हैं। तो देखिए 2/1 भाग में 8/9, ठीक। अब उसके बाद जो ये है आगे वाला तो सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, पीछे वाला को जब हम पलट देंगे तो निशान भी पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/8। अब ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे गुणा करने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या कुछ कट तो नहीं रहा है। तो देखिए ये 4 पे कट रहा है, ये 1 पे, तो अब यहाँ पर जो आंसर आया वो आएगा 9/4 आंसर। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि हम ये काटते क्यों है। देखिए इसकी इसकी गुणा करेंगे कुछ आंसर आएगा, इसकी इसकी गुणा करेंगे कुछ आंसर आएगा, तो यहाँ पर भी हमें छोटा करना पड़ेगा या काटना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही सवाल को छोटा कर लेते हैं, या यूं कहें कि बड़ी संख्याओं के मुकाबले छोटी संख्याओं को गुणा करना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए हम काट के संख्याओं को छोटा करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करना आसान हो जाता है। और इस तरह से प्रयास कीजिए संख्या 7 संपन्न हुआ। अब देखिए प्रयास कीजिए संख्या 8। तो इसका सवाल नंबर 1, इसमें हमें क्या है कि 6 को 5/3 से भाग करना है। अब ये मुश्किल नहीं है, बस पीछे वाला हमें मिश्रित भिन्न दे रखा है, तो इसको हमें उचित या विषम भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए आगे वाला तो सेम ऐसा का ऐसा ही, और इसके नीचे हमें कुछ नहीं दे रखा, तो फिलहाल 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद भाग, अब इस मिश्रित भिन्न को हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15 = 16/3 ये हो गया। अब देखिए ये हमारा आसान बन चुका है, तो अब क्या करना है कि आगे वाले को ऐसा का ऐसा ही और पीछे वाले को हम पलट देते हैं, और जब पीछे वाला पलटेंगे तो निशान भी गुणा का बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/16 ये हो गया। अब बस आपस में इनकी गुणा कर देते हैं,
उससे पहले चेक करते हैं कि क्या कुछ कट रहा है इसमें। तो हम देखते हैं कि ये दो के पहाड़े से कट रहे हैं, तीन और आठ पर। तो अब आंसर क्या आएगा मेरा, 9/8। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि 7 इसको भाग करना है 2 सही 4/7 से। तो पहले तो आगे वाला तो सेम ऐसा कैसा ही, इस मिश्रित भिन्न को बदलते हैं तो 7 × 2 = 14 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 = 8 यानी कि 18/7। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। अब देखिए 7/1 × 7/18 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कट रहा है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि अब कुछ भी नहीं कट रहा है, डायरेक्ट गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 49/18 इसका आंसर। अब देखिए प्रयास कीजिए संख्या 9। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि 3/5 को हमें भाग करना है 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। तो हमें क्या करना है कि ये जो 3/5 है इसे और आधा करना है। तो देखिए 3/5 को और आधा करने का क्या मतलब है कि इसकी 1/2 से भाग करनी है। अब 1/2 से भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, 3/5 × 2/1, क्योंकि नीचे वाले संख्या पलट जाएंगी तो इंसान भी पलट जाएगा। तो अभी जो आंसर आएगा मेरे पास क्या आएगा, 6/5। अब इसी तरह से देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 1/2, 1/2 की बात करनी है 3/5 से। तो ये सिंपल है, अभी क्या करना है बस 1/2 और आगे वाला सेम पीछे वाले को चेंज करते हैं तो गुणा का निशान आ जाएगा 5/3, यही हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपस में इनकी गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 5/6। इसी तरह से देखिए इसका थर्ड पार्ट, तो देखिए आगे वाले को पहले तो हम सिंपल सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 भाग में 3/5 और इस तरह से 5/2 × 3/5 = 5/2 × 5/3। अब इसको बस सिंपल सॉल्व, ये क्या हो जाएगा 25/6। ये पार्ट नंबर 4। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आगे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 31/6। तो ये पीछे वाला पार्ट है इसको अभी सेम, अभी देखिए सॉल्व होने में अभी सिंपल बन चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे वाले पार्ट को सेम ऐसे ही पीछे वाले को बदल देते हैं तो ये हो जाएगा। अब ये वाला देखिए 1/3 कट रहा है तो अभी क्या हो जाएगा, 31/27 आंसर। और इस तरह से क्या कीजिए संख्या